सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत का एक वीडियो वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि हरीश रावत सिर पर टोपी लगाए हुए दुआ मांग रहे हैं। यूजर्स उनका ये वीडियो शेयर कर दावा कर रहे हैं कि हरीश रावत ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। एक यूजर ने वीडियो शेयर कर लिखा, समस्त देशवासियों को सूचित किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, श्री हरीश रावत, जो हिंदू धर्म से हैं, आज से उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। डीफ्रेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए संबंधित कीवर्ड सर्च किए। हमें ईटीवी भारत की 28 नवंबर 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली, जिसमें हरीश रावत का वायरल वीडियो से संबंधित फोटो लगा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साबिर पाक दरबार पिरान कलियर पहुंचे। उन्होंने दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल पेश कर आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की जीत और प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। इसके अलावा हमें कांग्रेस नेता हरीश रावत का साबिर पाक दरबार में चादर पोशी करने का वीडियो न्यूज 18 उत्तराखंड के फेसबुक पेज पर भी 28 नवंबर 2021 को पोस्ट मिला। यहां वीडियो के बारे में लिखा गया है, पूर्व सीएम हरीश रावत ने पिरान कलियर में साबिर पाक की दरगाह में चादर पोशी कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। डीफ्रेक के फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया है। वायरल वीडियो नवंबर 2021 का है, जब साबिर पाक दरबार पिरान कलियर में हरीश रावत चादर पोशी करने पहुंचे थे। इसलिए यूजर्स का दावा भ्रामक है।